नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद मेरे दोस्तों। मेरा नाम है जसविंदर पाल सिंह। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये है एरोज के ऊपर, यानी बाणों के ऊपर, और वो एरोज जो के प्रोफेशनली बनाए गए हैं एक प्रोफेशनल एरो मेकर द्वारा। और ये पैकेज जो मैंने मंगवाया है, ये मंगवाया है टर्की से, जिसे बनाया है मिस्टर मुलेंट यिलमाज ने। तो दोस्तों, वो एक बहुत परफेक्ट एरो मेकर हैं, जो कि ज़्यादातर प्रोफेशनल जो खेलते हैं उनके लिए एरोज बनाते हैं। मतलब उनके जो एरोज हैं वो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में यूज़ होते हैं और वो एकदम परफेक्ट बनाए जाते हैं। दोस्तों, जब हम ट्रेडिशनल आर्चरी के कॉम्पिटिशन्स या टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, एहतियात बरतनी पड़ती है एरोज को लेकर। उस चीज़ को लेकर हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि एरोज ही हैं जो कि हमें पॉइंट्स दिलाते हैं, बाकी हमारी टेक्निक और बो के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एरोस का एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा भाग होता है एक कंपटीशन में और आपकी अपनी परफॉर्मेंस में। तो बुलेंट यिलमाज बहुत बढ़िया एरोस बनाते हैं और वो प्रोफेशनली इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो वो एरोस बनाकर दे रहे हैं वो एकदम परफेक्ट हों। ये पैकेज मेरे पास आया है और मैं आपके साथ ये पैकेज इसका अनबॉक्सिंग भी करूँगा। देखते हैं कि ये पैकेज कैसा है और इसमें क्या क्या उन्होंने हमें भेजा है। जो मैंने मंगवाया था वो तो भेजा ही है, साथ में उन्होंने कुछ गिफ्ट भी भेजा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये है वो पैकेज। अब इस पैकेज में ये कार्डबोर्ड का पैकेज है, यहाँ पर कुछ बैग नुमा कोई चीज़ है जो देखने से लग रही है। यहाँ पर इसका कस्टम चार्जेस लगे हुए हैं और ऊपर से पूरा इसको पॉलिथीन से पैक किया गया है। चेकिंग के लिए खोला गया है, इससे ये टेप जो लगी हुई इससे पता लगता है कि इसे खोला गया है, चेक किया गया है। इसमें कुछ आवाज आ रही है, आशा करता हूँ ये खोलूंगा तो ये ठीक ठाक हो, क्योंकि एरोस बहुत नाजुक चीज़ होती है और इसका ब्रेकेज का बहुत ज़्यादा डर रहता है जब हम बाहर से कहीं से मंगाते हैं, क्योंकि कई हाथों से निकल कर आता है ये पैकेज, तो रिस्क रहता है। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें सब कुछ ठीक है और क्या हमारे पास आया है और क्या उन्होंने भेजा था। यहाँ नाम लिखा है, लगता है यहाँ से इसे चेक किया गया पहले। ओहो, ये बैग है, एरो बैग और बो बैग, बड़ा शानदार है। ये हैंडल है यहाँ पकड़ने के लिए, तो ये खोलते हैं इसको। ठीक, तो मैंने जो 12 एरोज मंगाए थे वो मंगाए थे मैंने जनरल प्रैक्टिस के लिए। आप देख सकते हैं इस पे मेरा नाम भी प्रिंट किया गया है, क्योंकि जब हम कंपटीशन करते हैं तो वहाँ पर हमें साइन या अपना नाम एरो के ऊपर देना होता है। ये एरो पॉइंट है, ये नाम है और ये इसकी फ्लैचिंग्स है।
और ये फ्लेचिंग से मेल खाता हुआ इसका नॉक है, टर्किश नॉक। ये भी बहुत बढ़िया बनाए हैं इन्होंने, टर्किश टाइप स्टाइल के इन्होंने नॉक्स दिए हैं ऊपर, सेल्फ नॉक्स हैं ये, इसकी फ्लेचिंग्स हैं। उसके अलावा इस पर भी नाम प्रिंटेड है हमारा, डार्क वुड फिनिश वार्निश लगाई गई है इसके ऊपर, और ये पाइन वुड है। इसके पॉइंट कुछ अलग तरीके से हैं, आप देख सकते हैं। और ये बैरल्ड एरोज़ हैं, बैरल्ड एरो से मतलब है कि ये जो एरोज़ हैं ये बीच में से मोटे होते हैं और आगे से ये पतले होते हैं और पीछे से भी पतले होते हैं, उससे इसका जो इसकी जो फ्लाइट होती है वो बहुत बढ़िया रहती है, एकदम स्ट्रेट रहती है और इसमें झोल कम आता है और उसकी वजह से इसकी स्पाइन बढ़िया रहती है। तो ये परफेक्ट होते हैं एरोज़। बाकी इसको इसके अलावा कुछ मैंने एक्स्ट्रा नॉक एंड पॉइंट्स मंगाए थे इनसे, वो इन्होंने दिए हैं ताकि अगर कहीं कुछ दिक्कत हो या ख़राब हो जाए तो उसको मैं रिप्लेस कर सकूं। फ्लेचिंग जो इसकी है ये 4 इंच की फ्लेचिंग्स है, ऑटोमन स्टाइल का इसका इसकी नॉक है, आगे इसका पॉइंट भी छोटा सा दिया गया है। तो जो बैरल डैरो है इसकी ट्रेवलिंग स्पीड फास्ट होगी और परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये एरोज मंगवाए हैं ये 40 to 45 LBS के बोज के लिए है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 29 इंचिस का एरो है, ऑटोमन स्टाइल के ही इसके नॉक्स हैं, 4 इंच का टर्की फेदर है, यहाँ पर डार्क रेड कलर का इस पर पेंट किया गया है जो कि इसके फेदर के साथ मैच कर रहा है और इसके नॉक्स के साथ भी मैच कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट इसका एरो है, टर्किश स्टाइल पॉइंट है। तो मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा कि कैसा परफॉर्म करते हैं, और इसके अलावा जो बैग आया है आप उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों ये बैग है, एरोस को हम इसमें डाल सकते हैं, काफी स्पेस है, करीबन इसमें 50-60 एरोस आ सकते हैं आराम से, और यहां इसके छोटे मिनी बैग्स दिए हुए हैं,
आप कोई छोटा मोटा अपना सामान इसमें रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ टांगना हो आप टांग सकते हैं, कुछ फसाना हो अपना कोई ज़रूरत का सामान। एक एक और छोटा इसमें पॉकेट दी हुई है जिप वाली। अब ये किस लिए ये मैं बता देता हूँ आपको, ये बो टांगने के लिए है अपना कमान, यहाँ टांगने के लिए ऐसे कमान है ये, इसको हम इसमें यहाँ पर वेलक्रो दे रखी है, इस वेलक्रो के साथ इसको चिपका सकते हैं, इसको ऐसे बांध देंगे वेलक्रो के साथ और ये रेडी है हमारा बो बैग, बो एंड एरो बैग। इसको आप ऐसे टांग कर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं बुलेंट यिलमाज के बनाए हुए एरोस की फील्ड टेस्टिंग। दोस्तों अभी हम चेक करने वाले हैं बुलेंट यिलमाज के बनाए हुए एरोस को, बैरल्ड एरो और नॉर्मल एरोस, और इसे टेस्ट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ केडीज बो का बनाया हुआ खान तातार बो। दोस्तों रिव्यू एरोस का है, इसका नहीं है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको रिव्यू दूंगा। सबसे पहले जो नॉर्मल एरोज हैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, थ्री फिंगर ड्रॉ से। एरोज एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, एकदम बढ़िया रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों अब मैं कर रहा हूँ बैरल्ड एरोज को चेक थ्री फिंगर ड्रॉ के साथ। बहुत फास्ट और स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे दोस्तों इसको हम हंटिंग रिकॉर्ड के साथ भी चेक कर लेते हैं। राइजर है डेलाइट आर्चरी का और लिम्स हैं टेंडिंग स्पोर्ट्स के और एरोज हैं बुलेंट यिलमाज के। जहाँ एम किया वहीं लगा, आइए दिखाता हूँ रिजल्ट। तो दोस्तों अभी हमने बुलेंट यिलमाज के बनाए हुए एरोस को टेस्ट किया है, आइए अब इसका तजुर्बा आपके साथ साझा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस एरो के बारे में, ये इसका प्रीमियम एरो है और इस प्रीमियम एरो की खासियत ये, एक तो इसकी स्ट्रेटनेस एकदम बढ़िया होती है, दूसरा बढ़िया इस पर फेदर्स हैं टर्की फेदर्स और इसमें क्रेस्टिंग हो रखी है, आर्ट वर्क हो रखा है और बढ़िया इस पर ऑटोमन नॉक्स हैं वो लगी हुई हैं प्लास्टिक के। और इसकी खासियत ये है कि ये एक ही तरीके के वेट के हैं सारे, यानी कि ये 26
ग्राम्स के सभी बनाए गए हैं। तो इसकी स्पाइन और वेट बराबर है। और जब इसको मैं फील्ड पर इस्तेमाल कर रहा था तो ये मैंने पाया कि ये 30 मीटर और 40 मीटर तक के टारगेट के लिए बहुत बढ़िया है, स्ट्रेटनेस बढ़िया है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। दोस्तों ये बैरल एरो है, आगे से भी ये इससे इसका वेट कम होता है और पीछे से भी वेट कम होता है, सेंटर में ये जरा मोटा होता है। इस वजह से ये इसकी जो ट्रेवल करने की जो स्पीड है वो फास्ट होती है, तेजी से जाता है, सीधा जाता है और दूर तक जाता है। और कॉम्पिटिशन्स में इनका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको आपका टारगेट 80 मीटर पर है या 80 से ऊपर का है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने जब इसे टेस्ट किया तो टेस्ट करते दौरान इसकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया थी कि एक एरो की नॉक टूट गई, एरो के पीछे एरो लग गया। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो जो नॉक है वो तो मैंने रिपेयर कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है जब एरो के ऊपर एरो लगता है। खुशी भी होती है, खुशी होती है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन दुख ये होता है कि यार एरो टूट गया। खैर ये पार्ट ऑफ आर्चरी है। दोस्तों इन एरोज की भी वेट सबके बराबर हैं, और इसका जो वेट है ये 23 ग्राम का है और इनके बाकी एरोज का भी वेट 23 ग्राम का ही है। तो उस वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो एमिंग है और इसका जो फ्लाइट है वो सबकी बराबर ही है। बाकी डिपेंड करता है आपके ड्रॉ के ऊपर और आपके एंकर के ऊपर कि आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको बुलेट इलमास के बनाए हुए एरो कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आने वाले हमारे वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।